सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस वर्गीकरण के आधार पर, आरक्षण के आधार पर भाई को भाई से यह सरकारें लड़ाना चाहती है। इस देश में सबसे ज्यादा जुलम जाति हमारे बोलन समाज पर होती है, मुस्लिमों पर होती है, दलितों पर होती है। ये भीड़ पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपने समाज अपने संविधान के लिए लड़ने के लिए भीड़ है। क्योंकि इस केंद्र सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ कि संविधान हमारे बाप ने लिखा है, तुम्हारे बाप ने नहीं लिखा है। अगर इस आंदोलन से नहीं मानेंगे तो संविधान के जूता से इतना इनका चुतियाएंगे ना अपने समाज से। इस युवा शक्ति को हम इकट्ठा करके एकता बना के संविधान के जूता से इतना चुतियाएंगे ना इस सरकार को कि 2027 में इनको जूता से नोक के भगा देंगे। सर जब तक जिंदा रहे सम्मान नहीं मिला, आज हम उनकी फोटो उठाए घूमते हैं, कोई उनकी तरफ उंगली उठाते हैं तो चीरने फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमें शिक्षित भी बनना है, संगठित भी होना है और अपने विरोधियों बैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। वर्गीकरण के आधार पर, आरक्षण के आधार पर भाई को भाई से यह सरकारें लड़ाना चाहती है। आज मेरे ही समाज के कुछ लोग उस बिल के समर्थन में है तो मेरे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा उस बिल के विरोध में है, लेकिन यह वादा करते हैं अपने भाइयों को समझाने का काम करेंगे और इन सरकारों को आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जो आज वर्तमान समय में भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, जो वर्तमान समय में इस बहुजन एकता को खत्म करना चाहती है, जो वर्तमान समय में इस भाईचारे को तोड़ना चाहती है, आपको इस इंदिरा गांधी स्टेडियम से यह कसम खाकर जाना है कि अपने अपने प्रदेशों में इस भाईचारे को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। इस देश में सबसे ज्यादा जुलम जाति हमारे बोलन समाज पर होती है, मुस्लिमों पर होती है, दलितों पर होती है और ये सरकार काले कानून पास करने पे लगातार काले कानून पास करती जा रही है। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कोई काला कानून पास नहीं होगा, कोई काला कानून पास नहीं होगा। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, हम लोग जंग लड़ेंगे, हम इसको मुंह तोड़ सरकार को जवाब देंगे। आप लोगों का साथ चाहिए तो मेरे साथियों हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि नौजवान साथियों हमारा एक रहनुमा है, इस देश में हमारा एक नेता है, हमारा एक अल्लाह का फरिश्ता है जिसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब है। और इस तानाशाही के सरकार के खिलाफ हमारे बड़े भैया माननीय सांसद जी ने आह्वान किया है कि जितने भी बहुजन समाज के साथी हैं अगर अभी एक नहीं हुए तो आने वाला समय हमारा गुलामी का समय होगा। इसलिए हमारे भैया ने आदेश किया है कि दिल्ली आइए, अगर हमारे भैया ने हमें एक कभी बुलाते तो हम अपने दम पे आने का काम करते, अपने पैसे से आने का काम करते। ये भीड़ पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपने समाज अपने संविधान के लिए लड़ने के लिए भीड़ है। क्योंकि इस केंद्र सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ कि संविधान हमारे बाप ने लिखा है, तुम्हारे बाप ने नहीं लिखा है। और मेरे संविधान के साथ अगर छेड़खानी की है तो हम झंडे के साथ डंडा भी लगा कर आएंगे, झंडा निकालेंगे और डंडा का प्रयोग करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट होश में नहीं आई, केंद्र सरकार होश में नहीं आई, हमारा आरक्षण के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो हम दिन में ताकत दिखाने का उसको काम करेंगे। जय भीम जय भारत। और
और जब तक जो है तो जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि इसका हिस्सा कौन खा रहा है, क्योंकि आप विदित हो कि मंडल कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक ही एससी एसटी को आरक्षण मिला था और 85% बहुजन समाज होने के बावजूद भी आज भी जो है 27% ही अन्य पिछड़ा वर्ग को और एससी एसटी को 22.5% ही आरक्षण बहाल हो पाया है। 49.5% आरक्षण देश के 85% लोगों को मिल रहा है, जबकि 50.5% आरक्षण 15% के लोगों को मिल रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। यानी कि एक यदि देश में जो है तो अभी जातिगत जनगणना हो जाए तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार प्रसार में किन वर्गों के लोग अधिक हैं ये पता चल जाएगा। अगर ये लोग इस फैसले से, अगर इस आंदोलन से नहीं मानेंगे तो संविधान के जूता से इतना इनका चुतियाएंगे ना अपने समाज से। इस युवा शक्ति को हम इकट्ठा करके एकता बना के संविधान के जूता से इतना चुतियाएंगे ना इस सरकार को कि 2027 में इनको जूता से नोक के भगा देंगे सर। पाकिस्तान पे मेरा वादा है, इसी समाज से, इसी युवा से, इसी युवा संगठन को इतना शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली बना देंगे हम कि सर आने वाली पीढ़ियां, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां, मैं ये सभी युवा भाइयों से यही कहना चाहता हूं, जो लोग ये सोचते हैं कि अपना खाना अपना कमाना बाहर में जा सारा जमाना, ये लोग ये सोचना बंद कर दें, क्योंकि अगर हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यही सोचे होते आज अडानी अंबानी मोदी योगी उनके यहाँ गोबर हटा रहे होते, तब के समय में सबसे बड़े पढ़े लिखे युवा हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। रहे सम्मान नहीं मिला, आज हम उनकी फोटो उठाए घूमते हैं, कोई उनकी तरफ उंगली उठाते हैं तो चीरने फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मैं याद कर रहा हूं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कि तब तक जिंदा रहे घर तक खाली करा लिया, पानी के लिए लड़े, आपके लिए लड़े, लेकिन आज जब बाबा साहब अंबेडकर की फोटो की तरफ कोई घूरता है, उंगली दिखाता है तो मन करता है कि उसकी उंगली को साफ कर दिया जाए। अगर आपने अपनी नस्लों के लिए काम ना किया तो कल आपकी नस्लें जवाब पूछेंगी, सवाल पूछेंगी कि जब तुम्हारे पुरखे तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, जब ये आरक्षण बर्बाद हो रहा था, जब संविधान को तार तार कर किया जा रहा था, तो उस समय तुम क्या कर रहे थे। और समझिएगा, आने वाली नस्ल को ये बताओगे कि हम सिर्फ नारे लगा रहे थे तो आने वाली नस्ल कोई सम्मान आपका करेगी नहीं। जब से इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, इस आरक्षण को खत्म करने के लिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो या और कोई मनुवादी दल रहा हो, इन्होंने एडी चोटी के जोर लगाए। और आज जिन जातियों को गाली दी जा रही है, ये वही जातियां हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की, और आज भी इस देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें शिक्षित भी बनना है, संगठित भी होना है और अपने विरोधियों बैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है।